गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं अपने पौधों में कुछ ट्रीटमेंट करने वाली हूँ, जो कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा प्लांटिंग की वीडियोस देख रही हूँ। तो उसमें ये था कि अगर आपके प्लांट में, जैसे ये है, अगर कुछ वाइट वाइट आ जाता है, वैसे तो इसमें अभी ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ कुछ मुझे लग रहा है तो वाइट वाइट आता है, तो आप उसको, ये टर्मरिक है, हल्दी है, इसको आप 1 लीटर पानी में थोड़ा सा, आधा चम्मच इतना मिला दीजिए और उससे स्प्रे कर दीजिए। और उसमें ये भी मुझे बताया गया था, काफ़ी वीडियोस मैंने देखी, कि आप अपने पौधों में जैसे कि चींटियां लग जाती हैं या फिर कोई भी चीज़ से बचाने के लिए, जैसे देखिए आप देख रहे हैं इसमें वाइट वाइट फंगस से बचने के लिए ये हम करते हैं ट्रीटमेंट। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी, देखिए कली खिल रही है और ये कल तक ये खिल जाएगी, देखिए ये देखिए कल तक ये पूरी तरीके से फूल बन जाएगा। मैं आपको जैसे ही फूल बनेगा मैं इसको दिखाऊंगी आपको। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं अपना ट्रीटमेंट। तो ये पानी की 1 लीटर की लगभग बोतल है, इसमें मैं ये मिला के और इसमें स्प्रे करूँगी। और देखिए मेरा जो एक प्लांट है मैं आपको दिखाती हूँ, और यहाँ पे बाल्टी भी तैयार है पौधों में पानी लगाने के लिए, क्योंकि 6 बज चुके हैं तो धूप सूरज ढलने के बाद ही पौधों में पानी लगाना चाहिए। तो ये देखिए ये जो प्लांट है इसमें भी, ये तो मैंने वाइट वाइट जो दिख रहा है ये मैंने इसमें कपूर डाल दिया है, ताकि ये जो आपको दिख रही होंगी चींटियाँ, इसमें कुछ चींटियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, तो चींटियों से बचाने के लिए मैंने इसमें कुछ कपूर डाल दिया था। फिर मैंने कुछ और वीडियोस देखी तो उसमें ये था, देखिए आपको दिख रही होगी ये स्टेम पे ये एक चींटी है, ये देखिए ये देखिए ये दो, ये तो चींटियाँ इसमें आ गई हैं। तो चींटियों से बचाने के लिए मैं इसमें भी हल्दी पाउडर थोड़ा सा स्प्रे कर दूंगी, ताकि इसमें ये चींटियाँ भी नहीं रहेंगी। फिर तो फंगस से, चींटियों से बचाने के लिए हम हल्दी का यूज़ करते हैं। इसमें देखिए बीच बीच में इसमें भी कुछ वाइट वाइट मैंने हटा दिया था, लेकिन ये तो स्टैम्प है लेकिन देखिए इसमें भी बीच बीच में चींटियाँ, देखिए चींटियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, और कुछ वाइट वाइट इसमें पत्तियों में भी आ गया था। तो इन सब से करने के लिए मैं इसमें हल्दी का यूज़ स्प्रे करने वाली, तो दिखाती हूँ आपको दोस्तों कैसे करते हैं। तो ये बोतल है और ये मैंने थोड़ी सी हल्दी ले ली है और इसमें ये मैं मिक्स करती हूँ थोड़ा सा, तो बस इतना ही बहुत है। इसको हम उसको करके इसमें स्प्रे करेंगे। दोस्तों इसको मैंने मिक्स कर लिया है पानी में, और मैंने कुछ वीडियोस ये भी देखी थी कि हल्दी पाउडर के अलावा जो खाने का सोडा होता है उसको भी पानी में अगर हम मिक्स कर लें और उससे स्प्रे करें तो उससे भी ये जो फंगस वाली जो समस्या होती है ये दूर होती है। तो मैं, लेकिन अभी खाना सोडा की जगह मैंने हल्दी प्रेफर किया, तो पहले मैं इससे देखती हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होता है। और ये देखिए, तो इसको मैंने पानी में बिल्कुल मिक्स कर लिया है और अब इससे मैं स्प्रे करूँगी। तो सारा मैं इससे स्प्रे करने वाली हूँ, देखिए इसमें से हो रहा है, अब देखिए। तो अभी मैं सभी स्प्रे करके आपको दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा ये इस तरीके से आ गया है। और दोस्तों मैंने ये भी देखा कि ये गुलाब के पौधों में ज़्यादा ये फंगस वाली समस्या रहती है, तो मेरे पौधों में ये ज़्यादा बने इससे पहले ही मैं इसमें छिड़काव कर देती हूँ। और अभी मैं इसमें, इसके बाद मैं इसमें हल्दी भी डालूंगी इस मिट्टी में, तो इस तरीके से देखिए ये पूरा आ रहा है। और उसमें ये भी था, मैंने ये भी देखा था कि वीडियो में, कि अगर जैसे स्प्रे ना करना चाहें तो हम इस पे डायरेक्ट भी हल्दी इसको इसके ऊपर डाल सकते हैं पत्तियों के ऊपर। तो
अब धीरे धीरे मैं सारे इस पे करने वाली हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं अब गुड़हल के पौधे पे भी कर देती हूँ। और दोस्तों ये, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं ये आपको रोज़ रोज़ नहीं करना है ऐसा। तो हल्दी का यूज़ फ़ायदेमंद होता है लेकिन इतना भी नहीं। तो आप जो वीक में एक बार या 15 दिन में आप इसको ट्रीटमेंट आप ये कर सकते हैं, जो हल्दी से जो आप पानी में डाल के इसका स्प्रे, आप वीक में एक बार, हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार आप इसे करिए। रोज़ रोज़ पानी, हल्दी के पानी का स्प्रे नहीं करना है हमें। तो ये जो हल्दी डालने के बाद जो ये बोतल है काफ़ी टाइट चल रही है, तो मुझे काफ़ी इसमें वो करना पड़ रहा है, बड़ी टाइटली चल पा रही है ये। तो यही कुछ सारे टिप्स होते हैं दोस्तों ये अपने पौधों को हरा भरा रखने के लिए और फंगस से और सब चीज़ों से बचाने के लिए। और देखिए ये गुलाब का है, तो इसमें ये भी है दोस्तों, मैंने काफ़ी कुछ देख रही हूँ मैं, तो मुझे ये भी पता चल रहा है दोस्तों कि कटिंग वाले कौन से पौधे होते हैं जो कि कटिंग से चल सकते हैं। तो मैंने देखा ये गुलाब का तो खैर पता ही रहता है सबको कि ये कलम होती है इसमें, तो अगर मैं चाहूँ तो ये यहाँ से कलम करके यहाँ से काट के और दूसरा भी पौधा लगा सकते हैं। या ये जैसे ये है, इसको भी हम दूसरे यहाँ से काट के और दूसरे पौधे में लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ, जब भी आप कोई भी पौधा कटिंग से लगाएं तो कटिंग वाली जगह पे आप उसमें हल्दी लगा दीजिए ताकि कोई फंगस लगने का चांसेस न रहे। और जब आप कटिंग भी अंदर, जब मिट्टी में लगाएं तो अंदर की साइड भी आप उसमें मिट्टी में नीचे की साइड से भी, कटिंग की नीचे की साइड और ऊपर की साइड, दोनों तरीके से आप उसमें हल्दी लगा दीजिएगा। क्योंकि अब देखिए ये तुलसा जी भी है मेरी, ये भी काफ़ी सूख गई हैं गर्मी की वजह से। तो देखिए मुझे, मैं बहुत ही परेशान हो गई कि ये तुलसा जी कैसी हो गई हैं। तो फिर मैंने इसमें जो मंजरी होती है उस मंजरी को मैंने निकाल दिया, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी थी उसमें कहा था कि जो मंजरी होती है वो आप उसको अलग कर दीजिए ताकि काट के, और मैंने वो उस मंजरी को मिट्टी में मिला दिया, यहाँ पे मिट्टी में कर दिया, दबा दिया ताकि हो सकता है कि वो और पौधा बन जाए। और यहाँ से मैंने वो कटिंग कर दी ताकि जो ताकि यहाँ से कुछ और आगे पत्तियाँ निकल पाए। तो देखिए ये जो मेरा पत्तियाँ हैं झड़ तो गई हैं लेकिन कुछ सूख गई, लेकिन ये नई पत्तियाँ भी इसमें बन रही हैं। तो चांसेस है दोस्तों कि ये पौधा बन जाए। ये देखिए इसमें भी छोटी सी पत्ती दिख रही होगी आपको, यहाँ पे भी छोटी छोटी पत्तियाँ बन रही हैं। तो मैं कोशिश तो दोस्तों पूरी कर रही हूँ इसे चलाने की, और देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और इसमें मैंने ये भी देखा था कि ये ट्रॉपिकल पौधा होता है तो इसमें पानी ज़्यादा नहीं लगाना होता है, लेकिन फिर भी दोस्तों गर्मियाँ बहुत है तो थोड़ा तो पानी से स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि पत्तियाँ जो है जल रही हैं गर्मी की वजह से। ये देखिए आप, तो थोड़ा बहुत तो मैं इस पर कर ही देती हूँ। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो मैं स्प्रे कर रही हूँ ये ठीक है, इस पर भी स्प्रे करना सही रहता है तुलसा जी पे या नहीं। और अब देखिए नेक्स्ट आ गया है हमारा ये, इसमें भी, इसमें तो बहुत ही ज़रूरी करना था मुझे, क्योंकि इसमें चींटियाँ आई हुई हैं और वाइट वाइट सा भी पत्तियों में हल्का हल्का सा लग रहा है। तो अच्छा, मैंने ये भी देखा था वीडियो में कि जो ये जो हल्दी होती है इससे पत्तियाँ भी बहुत हरी भरी और हो जाती हैं, मतलब जो पौधा है आपका वो हेल्दी भी बहुत रहता है। तो देखिए अब क्या होता है, देखिए ये, देखिए जैसे ये, देखिए ये वाइट वाइट देख रहे हैं आप, ये आपको दिखाई दे रहा है वाइट, ये चीज़ ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये फंगस होता है। तो जो वीडियोस मैंने देखी थी उसमें ये था कि ये जो फंगस ना लगे इसमें, देखिए मैंने हटा दिया उसे, ये फंगस ना लगे इसके लिए हम हमें हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आप इस तरीके से स्प्रे कर दें। तो देखिए दोस्तों मैं अच्छी तरह से कर देती हूँ, इसमें कुछ पत्तियाँ खराब भी हो गई हैं। तो देखिए मैंने अभी, चलिए निकल गई, क्योंकि खराब पत्तियाँ निकाल देनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, और एक चीज़ और है, ये भी पौधा कटिंग का है,
तो उसमें मैंने देखा था कि इसमें अगर हम जैसे यहाँ से इसको यहाँ से इस स्टेम को हम यहाँ से अगर हम कटिंग कर लें और उसको हम किसी दूसरे पौधे यहाँ से कर लें कटिंग और उसे किसी दूसरे गमले में उसको हम लगा दें मिट्टी में, तो इसमें कुछ दिनों बाद इसमें जड़ें आ जाती हैं और ये पौधा एक नया पौधा बन जाता है। तो अभी मैं लेकिन ऐसा नहीं करूंगी दोस्तों, क्योंकि मैं अभी नई नई हूँ प्लांटिंग में, तो ऐसा अभी मैं ये करूंगी लेकिन अभी नहीं करूंगी दोस्तों, पहले पूरी और जानकारी हो जाए मुझे। ये देखिए दूसरी तुलसा जी है, इसमें भी मैं थोड़ा सा स्प्रे कर ही देती हूँ, क्योंकि हल्दी का स्प्रे तो दोस्तों कोई नुकसान नहीं है। और वैसे तो मैंने देखा था अलग अलग पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं लोग, लेकिन वो मैं नहीं कर रही। सोडा भी मुझे बताया गया एक वीडियो में मैंने देखा था, लेकिन सोडा भी मुझे लगा कि नहीं, सोडे से बेटर हल्दी है, तो मैंने फिर हल्दी का यूज़ किया। एक में मैंने देखिए ये आपको वाइट वाइट दिख रहा है, इसमें भी देखिए 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 ये देखिए वाइट, तो देख सकते हैं। तो ये जो फंगस होता है इससे बचाने के लिए हमें हल्दी का स्प्रे करना होता है। तो देखिए स्प्रे भी मैं कर देती हूँ, इससे क्या होता है हमारी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसको मैं हटा दूँ, लेकिन पता नहीं मुझे, तो मैं तो दोस्तों नई नई हूँ प्लांटिंग में, तो मुझे पता भी नहीं है कि हटाना होता है या नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये फंगस ही है तो हटा ही देती हूँ इसे। और स्प्रे मैं मुझे ये नई बात पता चली है कि हर 15 दिन बाद या हफ्ते में एक बार आपको ये स्प्रे कर देना चाहिए, तो मैं आगे से अब हफ्ते में एक बार हल्दी का स्प्रे दोस्तों कर दिया करूँगी। ये ऊपर टिप पे ज़्यादा लगते हैं ये, तो ये सभी में अभी नहीं लगाया, अभी जो है बहुत ही कम शुरुआत ही है। देखिए यहाँ पे एक साइड में आपको दिखाई देगा, अभी शुरुआत ही है, तो मैं इसको ज़्यादा ना बढ़े ये समस्या, तो मैं इसलिए कर ही देती हूँ। ये है देखिए दोस्तों, ये भी मुझे बताया गया था कि ये भी कटिंग का ही पौधा है, तो जैसे कि इसकी भी लीव्स हम यहाँ से निकाल के हम उसको भी पौधा दूसरा बना सकते हैं, लेकिन मुझे अभी इतना इसका आइडिया नहीं है, तो ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। लेकिन हाँ इस वाले को मैं कर सकती हूँ, ये आसान है क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें देखिए यहाँ से इसको काटो कैची से और इसके बाद इसे पौधे में किसी दूसरे गमले में लगा दो, तो ये इजी है, तो ये मैं कर सकती हूँ। एक गुलाब का भी इजी होता है, तो वो भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन अभी जो नए नए प्लांटिंग में आया उनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रही हूँ, बस जितना हो पाएगा उतना ही मैं करूँगी। तो ये सब में स्प्रे हो गया है, अब मैं आपको इसमें जो मैं लगाती हूँ, इसमें देखिए चींटियाँ हैं, तो इसीलिए मैं इसमें अब देखिए कुछ मुझे कम नज़र आ रही है, थोड़ी सी देर हुई है और अब चींटियाँ नहीं दिखाई दे रही मुझे। अब मैं इसमें हल्दी नहीं देखिए है, दो दो चींटियाँ इधर दिखाई दे रही हैं, ये देखिए पीछे की साइड चली गई। अब इसमें मैं हल्दी लगाती हूँ दोस्तों, कल मैंने इन सभी पौधों में गुड़ाई भी की थी, तो गुड़ाई मैंने की थी कल, तो गुड़ाई भी करती रहनी चाहिए हमें हर 15 दिन बाद। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसमें हल्दी लगाती हूँ। देखिए दोस्तों इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी लगाती हूँ और इस तरीके से हमें हल्दी जो है डालनी है मिट्टी में, थोड़ी ही लगानी है, मतलब आधी चम्मच। अब ये बड़ा पॉट है, तो इसमें हम आधी चम्मच लगा सकते हैं। और ये लगा के इस तरीके से हम इसमें मिक्स करते हैं। अब ये जब पानी इसमें लगाएंगे तो ये पूरे में मिक्स हो जाएगी। इस तरीके से हम सभी पॉट्स में हल्दी को लगा देंगे।
ये जो मिट्टी होती है, ये जो लाल मिट्टी है, ये पूना की होती है दोस्तों। तो ये पूना की मिट्टी है। और अच्छा, मिट्टी को हमें थोड़ा सा स्मूथ भी करते रहना चाहिए इस तरीके। उसमें से कोई मतलब, अब जैसे एक कंकड़ मुझे दिख रहा है, इसे मैं हटा देती हूँ। तो हमें इसको स्मूथ भी करते रहना चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं सभी पौधों में लगा देती हूँ।